नमस्कार, मेक इट विद अनंत में आपका स्वागत है। अगर आपको विंटर के लिए ऑयल बेस्ड रूम हीटर लेना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में मैं ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर यानी OFR के बारे में बताने वाली हूँ और मेरे पास जो OFR है उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो जैसे ही विंटर आती है मार्केट में कई तरह के हीटर आने शुरू हो जाते हैं और ये 1000 से स्टार्ट होके हाई रेंज तक जाते हैं और इस तरह के जो हीटर होते हैं ये बहुत कम रेट में मिल जाते हैं तो इसलिए हम लोग इन्हें जल्दी ले लेते हैं। लेकिन इन हीटर ये वाले जो हीटर होते हैं ये सेफ्टी और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके क्या क्या नुकसान है और इनको कैसे आप इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं OFR के बारे में। तो ऑयल फील्ड जो रूम हीटर होता है इसके अंदर ऑयल भरा होता है यानी इसके जो फिन्स हैं, ये मेरे पास 11 फिन्स का रूम हीटर है और जितने जितने फिन्स बढ़ते जाते हैं जैसे कि ये 7, 9, 11 ऐसे करके आता है, जैसे जैसे फिन्स बढ़ते जाते हैं इसके रेट भी बढ़ते जाते हैं। ये मैंने 2019 में लिया था और उसके बाद से उस टाइम पे मैंने इसको 2 से 3 महीने चलाया आराम से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और अभी भी मैं इसे ठंडियाँ हैं तो मैं अभी इसको चला रही हूँ और ये बहुत बढ़िया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो जो ऑयल बेस्ड रूम हीटर होते हैं इनकी फिन्स में ऑयल भरा होता है और ऑयल जैसे हम ऑन करते हैं इसको तो ऑयल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और फिन्स भी इसकी गर्म होने लगती हैं और जैसे ही रूम की हवा जो है वो फिन्स के आसपास से होके गुजरती है तो रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी हवा गर्म होती है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस हीटर में फ़ैन भी लगा होता है और जो कि गर्म हवा को रूम में जल्दी फैला देता है। तो इस हीटर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हेल्थ के लिए सुरक्षित होते हैं और इन्हें चलाने पे रूम की ऑक्सीजन और नमी नहीं ख़त्म होती है। बाकी हीटर्स में जैसे होता है कि वो रूम की नमी को ख़त्म कर देते हैं जिससे आपकी आँखों में जलन होती है, आपको प्यास लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है और ऑक्सीजन भी ख़त्म कर देते हैं वो वाले हीटर अगर आपने ज़्यादा देर तक चलाया है, और बच्चों और बुज़ुर्गों के हिसाब से वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इस वाले OFR में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है और आप आराम से इसे चला सकते हैं बाकी हीटरों के मुकाबले, जैसे आप उन्हें बंद रूम पे नहीं चला सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं चलाना चाहिए, तो इसे आप बंद रूम में भी चला सकते हैं। और ये इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये रूम के जो टेम्परेचर को एकदम बैलेंस करके रखता है, यानी कि ऑटो कट इसमें होता है जिससे कि अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है रूम तो अपने आप ये कट ऑफ हो जाता है और थोड़ी देर बाद जैसे ही टेम्परेचर गिरने लगता है तो ये ईजिली फिर से अपना मतलब गर्म होने लगता है। तो इस तरह के रूम हीटर बहुत बढ़िया ये OFR काम करता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बाकी के मुकाबले में ये OFR थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है लेकिन ये हेल्थ और सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे पास जो OFR है, तो मेरे पास ये सिंगर का ऑयल बेस्ड रेडिएटर OFR है और ये पाउडर कोटेड फिन्स के साथ आता है, यानी इसकी जो फिन्स हैं ये पाउडर कोटेड हैं जिसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगता है और 3 हीटिंग पोजीशंस के साथ आता है ये, जिससे आप इजीली रूम को आसानी से, बड़ा रूम है तो भी आसानी से गर्म रख सकते हैं। तो अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये थर्मोस्टेट स्विच है, इसकी वजह से आप अपनी इसमें सेटिंग कर सकते हैं जो रूम के टेम्परेचर की, यानी कि आपको 1 पे चलाना है, 2 पे, जितना ज़्यादा कम करना है। और ये भी जो स्विच लगे हुए हैं इसके साथ ही इसमें ये फ़ैन भी है तो आप स्विच के साथ ये फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि रूम जल्दी गर्म होता है। तो अभी तक मुझे कभी भी मैंने ये 2 पे नहीं चलाया है, एक ही स्विच इसका ऑन किया, ये 3 पावर स्विच के साथ आता है, यानी कि इसमें आप, मेरा ये जो OFR है ये 2900 वाट का है और ISI मार्क सहित है इसमें और 2 साल की वारंटी है इसमें और 3-वे हीटिंग है इसमें,
यानी कि आप अगर रूम बड़ा है या ज़्यादा ठंड है तो उस हिसाब से आप इसको इजीली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इजी मूवमेंट है इसका, यानी ये जो नायलॉन कैस्टर इसके व्हील हैं, इसकी वजह से क्या होता है, नायलॉन कैस्टर व्हील की वजह से कि आप इसे इजीली मूव इधर से उधर कर सकते हैं, यानी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है और आवाज़ भी नहीं होती है ज़्यादा कि आप इधर से उधर इसको ले जाने में आपको ज़्यादा आवाज़ हो। और इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। ये रही इसके फिन्स, तो ये 11 फिन्स का है, बहुत ही स्लिम है और एकदम साइड में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। इसके साथ ही 2 मीटर का इसमें लंबा तार लगा हुआ है, ये देखिए मैं इसको खिसका के दिखा रही हूँ कितना इजीली ये मूव हो रहा है और बहुत बढ़िया है। और इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया था, 5 से 7 मिनट मुझे लगा था। और ये स्टैंड इसके साथ मिले थे अलग से बॉक्स में, और इसके साथ ही इस तरह का ये यू शेप में मिला था और इसको फिट कर लिया था। इसके साथ ही 2 पेंच भी दिए हुए हैं तो आप इजीली इसको फिट कर सकते हैं, और फिर जब आपका यूज़ ख़त्म हो जाए तो आप निकाल के इसको फिर से बॉक्स में रख सकते हैं। तो इस तरह का है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि ये बहुत अच्छा चला है और अभी तक अच्छा काम कर रहा है, 2 साल इसको हो चुके हैं तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी OFR ले सकते हैं, आपका जैसा बजट है कम ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं।